जो के छोटी उम्र से ही ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं जो के लॉ के अगेंस्ट होती हैं तो उनको हम कहते हैं कि वो डेलीकुंट एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं आ, अब वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि वो कर सकते हैं या जिनमें वो इन्वॉल्व हो सकते हैं ये होता ऐसे है कि आठ साल की उम्र में ये बिहेवियर एक्जिबिट होना शुरू करता है जिसमें जो बच्चा है वो छोटी छोटी चोरियाँ करना शुरू करता है जिस तरह टॉयज उठा लिए किसी के कोई चीज़ स्टील कर ली और उसके बाद यही चीज़ एक्स थोड़ी सी आगे जाके मज़ीद डेवलप होती है जिसमें वो बच्चा जो है वो शॉप लिफ्टिंग जो है वो स्टार्ट कर देता है और जब वो ये सारा कुछ कर रहा होता है तो उसमें रिमोर्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती और वो उस चीज़ को मतलब ओके समझ रहा होता है और उसको किसी किस्म का उस पर गल्ट नहीं होता आ, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ मज़ीद बढ़ती है शॉप लिफ्टिंग से और वो जो बच्चा है वो छोटी मोटी जो चोरियाँ होती हैं घरों के अंदर वो करना शुरू कर देता है और उसके बाद ये चीज़ मज़ीद बढ़ती है और उस सिचुएशन में ये ड्रग ट्रैफिकिंग की तरफ या जो थोड़ी बड़ी वारदातें होती हैं उनके अंदर ये बच्चे जो हैं वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद जब ये ज़्यादा एक्सपैंड हो जाता है या ये चीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है तो इस तरह के बच्चे जो हैं वो एक प्रॉपर फ्रॉड स्कीम्स जो हैं उनको डेवलप करते हैं और उनके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ये जो बिहेवियर है डेलीकुनसी का ये चाइल्डहुड के अंदर यानी आठ साल की उम्र से आमतौर पर एग्जिबिट होना शुरू हो जाता है और ऐसे बच्चे जो हैं उनको अगर अर्ली स्टेज के ऊपर ही कैटर uh, कर लिया जाए और उनके ट्रीटमेंट uh, जो है वो प्रोवाइड की जाए या उनकी साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट की जाए तो इट इज़ मोर लाइकली कि उनका बिहेवियर जो है ये सबसाइड हो जाता है लेकिन इन सर्टेन केसेस ये जो सिचुएशन है uh, वो हैंडल नहीं हो पाती और बच्चों का ये बिहेवियर जो है वो सबसाइड नहीं हो पाता और इन और जब वो एडल्टड में मूव कर जाते हैं तो देवॉल्व इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ थैंक यू